नमस्कार, मैं हूं इंद्रनील और आप देख रहे हैं आपका अपना ही चैनल इंद्रनील रॉय आयुष चैनल में। दोस्त, हम बात कर रहे हैं विक्रम सिंह चौहान और आदित्य शर्मा की शो ये जादू जिनका स्टोरी लाइन को लेके। मेनी ऑफ फैंस ऑफ विक्रम सिंह चौहान आदित्य शर्मा फैंस नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। बहुत सारे ऐसे फैंस है जो विक्रम सिंह चौहान और आदित्य शर्मा के फैंस है, जो उनको समझ में नहीं आ रहा है मैं किस फैक्ट के ऊपर बात करना चाह रहा हूँ। देखो, हम सबको लगता है कि जो सीजन 1 खत्म हो गया था, वो जो एंडिंग हुई वही से स्टोरी हो जाएगा, मुझे भी यही लगता है। लेकिन जहां तक अभी तक टेलीविजन में जितनी दुनिया आई है, नई नई स्टोरी आई है, हम एक चीज देखें, अगर सीजन 2 आ रही है तो स्टोरी पूरा 100% चेंज हो गई है। हाँ, अगर सोच चलते चलते सीजन 2 चल गई तो बात अलग है। एग्जाम्पल देता हूँ, इश्कबाज। आपको पता होगा इश्कबाज लगातार 300-400 एपिसोड अच्छा से चला। जब सुरभि चंद्रा छोड़ रही तो स्टोरी को चेंज कर दिया गया, सीजन न्यू डिंचक, इश्कबाज डिंचक आ गया तो स्टोरी चेंज क्यों हो गया। उसमें सिवाय रहे, सिवाय का मतलब सिवाय का बेटा रह गया शिवांश, लेकिन सिवाय और अनिका नहीं रही, लेकिन अनिका और सिवाय के सीन बीच में आता रहा। ठीक है, मतलब उस स्टोरी को लेके ही चलाया गया, उसको कहते कंटिन्यू शो। ठीक है, और एक होता है शो खत्म हो गया, अब सीजन 2 आएगा नया स्टोरी को लेके, मतलब इस शो का जो स्टोरी लाइन है पूरा चेंज होगा। जो आपको लगता है कि इस शो में परवीन वाला जो सीन था वो सामने आ सकता है, क्या नाम था, अमर आलिया का सीन हो गया, कबीर का सीन हो गया, ताविजी जी का एंडिंग हो गई, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे रोशनी की जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको, ये सब आपको लग रहा है अगर ये नया स्टोरी को लेके आएंगे तो नहीं, ये नहीं होगा। मुझे ये लगता है, अगर क्योंकि जहां तक मैं देखता हूँ वही आपके साथ क्लियर करता हूँ कि आप सबको पता है इरोनिल चैनल में, आपको इस चैनल में हमेशा कोशिश करता हूँ पॉइंट बाई पॉइंट आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि आई थिंक मुझे लगता है कि आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा, और स्पेशली मैं तो कोशिश करता ही नहीं हूँ कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दू। ठीक है, समझ में आ गया। तो वीडियो को अभी लाइक कर रहे हो ना, मुझे पता है आप कर दिए होंगे। थैंक यू दोस्त, वीडियो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तब तक हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।